डीसी और मार्वल के सीजीआई और वीएफएक्स का तीन गलती जो लोगों को पसंद नहीं आया। तीसरे पर आता है थॉर लव एंड थंडर। इस सीन में जो सीजीआई दिखाया गया ये बहुत ज्यादा डल है, इसके वजह से लोगों ने इसको पसंद नहीं किया। दूसरे पर आता है शील्क। जिस तरह शील्क को बनाया गया था सीजीआई और वीएफएक्स के मदद से, पर उसमें बहुत ज्यादा गलती भी हमें दिख रहा है। पहले पर आता है जस्टिस लीग। हेनरी केविल का मूंछ निकालने की वजह से इन्होंने हेनरी केविल का चेहरा ही बिगाड़ दिया। कई लोग कहते बाकी सुपर हीरोज का मैजिक के सामने टोनी स्टार्क का टेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं है। अब देखो, टोनी स्टार्क के वजह से ही कैंग द कॉन्करर ऐसा विलन बन सकता है। ये इसके लिए हुआ क्योंकि उसने टोनी स्टार्क का टेक्नोलॉजी को फॉलोअप किया। अब देखो, एक आदमी टोनी स्टार्क का टेक्नोलॉजी को देख के इतना पावरफुल बन सकता है, तो सोचो टोनी स्टार्क अपने टेक्नोलॉजी की मदद से कितना पावरफुल बन सकता है। टोनी टाइम मशीन को क्रिएट कर सकता है और अनंत काल तक भी पहुंच सकता है। उसका टेक्नोलॉजी का ताकत का अंदाजा आप ही लगा। किस तरह कॉमिक में हॉकाई ने हल्क को मौत के घाट उतार दिया। कॉमिक में एग्रीमेंट साइन हुआ था हॉकाई और ब्रूस के बीच में, जिसमें अगर ब्रूस हल्क बन गया तो हॉकाई अपने तीर से हल्क को मार देगा। वो तीर एक स्पेशल तीर है जो खुद ब्रूस बैनर ने बनाया था। जब ब्रूस अपने कंट्रोल को के हल्क बनने वाला होता है, तभी हॉकाई अपने तीर से ब्रूस को मार देता है। क्या टोनी स्टार्क कैप्टन अमेरिका से बढ़िया एवेंजर को लीड कर सकते हैं? कैप से बढ़िया टोनी एवेंजर को लीड नहीं कर सकता, क्योंकि हमने सिविल वॉर में देखा किस तरह कैप ने टोनी स्टार्क के आगे अपने टीम को मजबूती से लीड किया था, क्योंकि कैप्टन होने का यही एक मेन खूबी होना चाहिए। पर टोनी भी कैप्टन से कम नहीं, उसका टेक्नोलॉजी के मदद से कोई भी काम होता नहीं। मार्वल ने हमें ये बताया इन दोनों को एक दूसरे का जरूरत पड़ता ही है। किस किस ने कैप्टन अमेरिका का शील्ड को ओन किया था, और हम इस यूनिवर्स की बात कर रहे हैं। पहले पर आता है हावर्ड स्टार्क, जिन्होंने शील्ड को बनाया और कैप्टन अमेरिका का हाथ में दे दिया। उसके बाद सिविल वॉर में टोनी स्टार्क अपने फादर का बनाया हुआ शील्ड को गुस्से से वापस मांगा। एवेंजर एंड गेम में टोनी स्टार्क शील्ड को वापस देता है कैप को। उसके बाद इस शील्ड को तोड़ देता है थानोस। उसके बाद नया शील्ड बना के फैल्कन को देता है, जो जॉनी वॉकर के पास जाता है। उसके बाद वापस फैल्कन के पास आता है। किलिंग मशीन हल्क का कॉमिक स्टोरी। कहानी के शुरुआत में ब्रूस बैनर हल्क को कंट्रोल करता है ताकि टोनी का चार हल्क बस्टर आर्मर को तोड़ सके, और ये होता भी है। हल्क चारों हल्क बस्टर आर्मर को तोड़ देता है। उसके बाद टोनी से लड़ते लड़ते वो एक लैब में आता है। लैब के अंदर हम देखते हैं एक सेलेस्टियल बस्टर आर्मर को। उसके सीने से एक पोर्टल खुल रहा था, जहाँ ब्रूस बैनर हल्क को लेके उसके पोर्टल के अंदर कूद जाता है। मार्वल फैंस, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।